आप सभी का स्वागत है ई आई एजुकेशन में। और आज आपको बताने वाले हैं कि आप लोग यूपी में स्कॉलरशिप को लेकर, चाहे आप लोग टेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, बीए, बीएससी, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, आप लोग कहीं पे भी पढ़ाई करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कि छात्रवृत्ति को लेकर परेशान हो रहे हैं छात्र छात्राएं, चाहे आप लोग किसी भी कोर्सेज में होते हैं, इन्हीं सब को लेकर जो सारी बातें वो आप लोग को विस्तार से बताएंगे। आज के न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी आई है। इसके साथ ही आप लोग के जो भी सवाल होते हैं अपने सवाल को कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि आज ही के न्यूज़पेपर में पूरी जानकारी दी गई, क्या बातें कही गई हैं वो आप लोग को पहले बता देते हैं। यहाँ पे बताया गया कि छात्रवृत्ति आवेदन में संकट नहीं खुली वेबसाइट, उसके बाद से यहाँ पे क्या बातें कही गई वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में छात्रों के पसीने छूट रहे हैं, वेबसाइट नहीं खुल रही है, अंतिम तिथि बीतने में महज एक दिन शेष होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। 10वीं 12वीं बीए बीएससी आज की कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है, वहीं कॉलेज में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट नहीं खुलने के कारण छात्र छात्राएं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, हर दिन साइबर कैफे में छात्र छात्राओं की भीड़ जुट रही है, वेबसाइट नहीं खुलने से छात्र निराश होकर लौट जाते हैं। और जहाँ पे इतने सारे जो कि छात्रों के जो नाम है वो दिए गए कि मेन वजह है कि वेबसाइट नहीं खुली है, इसी कारण से जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो सारी बातें वो आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई हैं कि आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो राजीव कुमार जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं उनके से क्या बातें कही गई हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया कि छात्रवृत्ति की वेबसाइट नहीं चलने की जानकारी है, इसलिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर कर दी गई है। तो अब आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि जो डेट है उसे आगे कर दिया गया, लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे आज जो लास्ट डेट थी तो आप लोग बिल्कुल अपने फॉर्म को आज लॉक करवा लीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आप लोग का लॉक हो जाएगा तो 3 दिन बाद ही जो उसका फाइनल प्रिंट होता है वो आप लोग को मिलता है। तो इस वजह से आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कीजिए, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, जितनी भी हॉट कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद कम ही उम्मीद है कि जो डेट होगी उसे आगे किया जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप लोग सतर्क रहिए, जैसे भी होता है चाहे आप लोग रात के टाइम पे अपनी वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, उसके बाद से जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसे अप्लाई कर दीजिए, लेकिन फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो जानकारी है वो आप लोग को दे दी गई है कि जो डेट है उसे 25 तक आगे कर दिया गया। बाकी आप लोग जो सवाल होंगे अपने सवाल को कमेंट कर लीजिए, वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।